चलो अभी 11:15 हो गया है, हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। इट वॉज अ नाइस डे, मतलब नींद अच्छी हुई और रूम्स भी अच्छे थे। सो आई प्रेफर इफ यू कुड कम दिस साइड यू कैन स्टे इन दिस होटल अमेरिका श्योर करके, ये होटल का नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। चलो अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। अभी हम लोग जाएंगे टर्टल बे, यहीं पे ही है, तो वो देखते हैं क्या है टर्टल बे। चलो देखते हैं। यहाँ पे पैरट शो वगैरह कुछ है, अभी देखते हैं आगे क्या है। Awesome. And then I'll get you a map here. Okay. So inside we have an exhibit, local history and an aquarium. And then to get outside you're going to go out these doors, straight down. Playground, reptiles, and parrots, and they do close until 1 and then they'll be open after that. They have our butterflies and all these animals in the back. Okay. And the aquarium thing, when it'll open? Aquarium. The aquarium is open right now. What? Opening. It's open. It's open, no? Yeah. Okay. Let's go to the aquarium. You start with C and you're good. Okay, thank you. Thank you. Let's go to the aquarium. Yeah, let's go to the aquarium first. टू एडल्ट एंड वन किड का $50 का एंट्री फी दिया उसने। 18 फॉर एडल्ट, 18 फॉर एडल्ट और 14 फॉर किड्स, सो टोटल $50 हो गए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग इन द एक्वेरियम। दिस इज अ मिनी क्रिएचर ऑफ शास्ता केव्स, जो अपन ने शास्ता केव्स देखा था ना, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही बनाया है मिनिएचर ऑफ शास्ता केव्स। ओह फिश, river. What are these? Chinook salmon. You could see these in bigger version in Sunday, but right? You saw them, right? Yes, correct. यहाँ पे मोस्टली सैल्मन पाया जाता है। What is this? A Florida turtle. What is his name? Florida soft shell turtle. What is this?
लावा का वो बताया है कि ओशियनिक क्रस्ट, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर ये मैग्मा, ये एटमॉस्फेयर, एटलस फॉरिक मेंटल, ये देखो यहाँ पे ये पीजन का स्केलेटन है, दिस इज पीजन स्केलेटन। ये यहाँ पे बताए हैं कि ह्यूमंस का बोन्स एंड बर्ड्स का बोन्स मोस्टली सिमिलर होते हैं। यहाँ पे ये बैट प्रिजर्व किया उन्होंने ऊपर। संडाई ब्रिज परसों देखा था राइट, ये इसका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि जो डेक मेडअप है वो अराउंड 400 टन ऑफ स्टील का है एंड 200 टन ऑफ ग्लास यूज किया है। ओके। और यहाँ पे डिज़ाइन जो है उसका इट इज़ एग्जैक्ट टू द सन डायल, एज इन जैसे जैसे मतलब क्या बोलते हैं, जैसे जैसे टाइम बताता है राइट, इट मूव्स क्लॉक वाइज, तो वैसे वैसे वो ब्रिज का जो शैडो है वो वैसे वैसे गिरता है वहाँ पे। ये यहाँ पे दिखा है सन डायल का। अच्छा, ये यहाँ पे सब उनका स्टोरेज वाला दिखा है, पहले दिनों में कैसे वो लोग स्टोर करते थे, कैसे सामान स्टोर करते थे। तो यहाँ पे ये सब ऐसे बताया इन लोगों ने, दिखाया नीचे पिंबल भी है, राइस बैग है, ब्रेड बैग है, बीन्स, तो ये पता नहीं ये क्या है, हाम, हाम कुछ तो है, चीज रखने के लिए, ये बेकन रखने के लिए, बेकन स्लाइस, ये सब स्टोन का है। डोंट टच मी, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच। ये देखो, द फर्स्ट यूरोपियंस इन शास्ता कंट्री काउंटी केम लुकिंग फॉर फर्स एंड मेनी मोर केम फॉर गोल्ड। यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि गोल्ड रश डेज के टाइम वो लोग कैसे सब सामान कैरी करते थे, तो ये सब प्लांट्स वो लोग यूज करते थे, म्यूल्स पे सब डालते थे, सब सामान म्यूल्स पे डालते थे ऐसे एंड फिर आगे चलते थे। वो लोग पहले जमाने में कैसे यूज करते थे सब, ये जो है ये उनका ईटिंग बाउल है, फिर यहाँ पे ये जो है ये इनका बॉटल है, और ये जो है ये एक बास्केट है। ये भी है, ये वाला जो है ये भी ईटिंग बाउल है उनका। ये अर्ली 1900s का उनका जंगल ड्रेस है पूरा, ये देखो। ये पूरा उनका जंगल ड्रेस है, हट भी जाते हैं। ये पहले ऐसे हट्स बनाते थे रहने के लिए। ये देखो, married to two mallard duck people. She went hunting all the time.
one called Wak Wak was on his way to heaven. These are the stories. Wak Wak was going up to yeah, heaven. So if you press that button, you can listen to the story. Story of bats. Bat was married. He was married to two mallard duck women. He went hunting all the time. He hunted in all the mountains. In the mountain. ये एक्चुअल है, नीचे के जो रूट्स है वो एक्चुअल है एंड ऊपर का ये जो है ये आर्टिफिशियल ट्री बनाया है हम लोगों ने। यहाँ पे ऐसे लिखी जाती है तो बाहर की तरफ जाएंगे ये पैरट्स या फिर वाइल्ड लाइफ में। अब हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ पे पूरा वाइल्ड लाइफ है, मतलब पैरट्स एंड बाकी और भी कुछ एनिमल्स दिखेंगे शायद, देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। ये देखो ये सब उन्होंने वेस्ट से बनाया हुआ है, पेंगुइन लाइक। यहाँ पे उनका एक रेस्टोरेंट भी है, मोज़ाइक रेस्टोरेंट करके। एनिमल्स कुछ दिख नहीं रहे हैं हमें तो, और यहाँ पे ऐसे एक बटरफ्लाई का भी, बटरफ्लाइज भी दिखते हैं ऐसे, देखते हैं अभी आगे कुछ दिख रहा है क्या। यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क है, वहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि आप लोग प्लास्टिक अगर आप यूज़ कर रहे हो एंड उनको अगर आप ऐसे पानी में फेंक दे दोगे तो फिर क्या होगा। ये देखो टर्टल को ऐसे लगेगा वो उसका खाना है एंड फिर वो उसके मुंह में जा रहा है, राइट। सो मेक श्योर कि आप लोग अगर प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करो, कहीं इधर उधर मत फेंको, बिकॉज फिर ये वाइल्ड लाइफ को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे। इस साइड में कुछ एनिमल शो दिखा है बट देन द थिएटर इज क्लोज्ड। अच्छा वो वहाँ कुछ पैरट्स दिख रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने ये ट्रेन का मॉडल रखा हुआ है, ये फर्स्ट लोकोमोटिव ट्रेन है जो वुड्स कैरी करने के लिए यूज करते थे ये लोग। 1884 का मॉडल है। 1884, ओके। ये टर्टल पॉन्ड है, यहाँ पे दिख रहे हैं टर्टल्स। देखो टर्टल, उनको भी गर्मी लग रही होगी यार, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। यहाँ पे एक बटरफ्लाई गार्डन करके रखा है उन लोगों ने, देखते हैं क्या है वहाँ पे। जानवर का सब असल इन इंडिया वी सी सो मेनी बटरफ्लाइज, बहुत सारे बटरफ्लाइज रहते हैं हमारे यहाँ पे। रेडवुड का ट्री जो हम लोग जिस घर में रहते हैं ना, ये इसी लकड़ी से बना हुआ है। हाँ, अमेरिका में सारे घर
रेडवुड ट्री के बने रहते हैं। उसको ऐसे बोला जाता है कि उसको एक ऐसे टिंजन जैसे स्मेल है, तो जो टर्माइट्स वगैरह रहते हैं ना तो वो नहीं लगते इसको। बहुत बड़ा एरिया है बट वी आर नॉट दैट सेटिस्फाइड, मतलब इतना वर्थ नहीं लग रहा है। मतलब हमने कितना $50 पे किया तीन लोगों का, तो उतना ज़्यादा वर्थ नहीं लग रहा है। हमें लगा कुछ रहेंगे एनिमल्स या कुछ देखने मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे रैकून दिख रहा है। ओ I guess this is the same one which came to our that hotel where we say stayed in. ये घर में घुस के सब घर का सामान खा जाते हैं। देखता हो? The same one. Could be same one. हमें उस टाइम पता नहीं चला ना ताहो में। हम लोग जब लेक ताहो गए थे ना, तब हमारे घर में कोई तो घुसा था एनिमल, एंड पूरा हमारा जो सामान था, पूरा ब्रेड शुगर, मैंने तो हनी पीनट्स लिए थे, मैंने सोचा चलो पोहा बनाने के लिए पीनट्स लेंगे, फिर बच्चे के लिए मैंने वो लिया था गुड़ लिया था एंड घी, वो सब चुरा के भाग गए, सब खा के ख़त्म। हाँ खा के ख़त्म, जितना भी स्वीट आइटम्स थे सारे खा गए। तो हमें पता ही नहीं चला वो क्या एनिमल था, बट देन वहाँ पे बोर्ड मतलब कॉशन तो लिखा था कि यू नो बी अवेयर ऑफ एनिमल्स सच एज बेयर या फिर रैकून्स। ये बड़े अच्छे से ट्रेंड होते हैं, मतलब उनको सब घर की कुंडी वगैरह खोलने आ जाती है। दे आर इंटेलिजेंट। हाँ दे आर इंटेलिजेंट, दैट इज व्हाट दे कैन ओपन द डोर्स इजी। अंदर देखो, अंदर पॉर्क्यूपाइन बैठा है। ये सिटिंग इनसाइड, वहाँ पे अंदर दिख रहा है, वहाँ पे अंदर बैठा है वो पॉर्क्यूपाइन। वो जो घर है उसका, उसमें बैठा है। उसको भी गर्मी लग रही होगी। ईगल, वेयर इज द, वहां पे बैठा है ईगल। एक्चुअली कड़ी धूप है तो सारे एनिमल्स, हाँ बहुत ज्यादा धूप है, वहां पे जाके बैठा है। वो दिख रहा है, नको वेरिन डोंट डू दैट। वो देखो वहाँ पे ईगल बैठा है, वहाँ पे जहाँ पे छाव है वहाँ जाके बैठा है वो। सीधा आउलो कैसे, वो वहाँ पे आउल है दिख रहा है, वहाँ पे बैठा है उल्लू है उल्लू। ये एक है रेड ट्रेल हॉक। दैट वाज़ द गोल्डन ईगल, फर्स्ट वन वाज़। चल क्रो को भी रखा है। कॉमन रैवन बोलते हैं उसको यहाँ पे। एक्चुअली यूएस में ना बहुत बड़ी लैंड बड़ी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड है। ये पैरट्स प्ले हाउस है बट ये भी क्लोज्ड है। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं यहाँ पे शायद। यहाँ पे ये देखो सनडायल ब्रिज, जो हमने परसों रात को देखा था, लाइट्स थे वहाँ पे तब अच्छा दिख रहा था, अब तो वही कड़ी धूप है। ये देखो ऐसा, चलो अब हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं।
बैक टू सनीवेल। बीच में रुकते हैं कहीं तो खाने के लिए। गाइस हम लोग अभी गैस भरने के लिए रुके हुए हैं। इट्स 4 o'clock नाउ। अभी और हमारा घर 1.5 घंटा दूर है। ऐसा लग रहा है यार चाय मिल जाए मस्त बढ़िया वाली, बट प्रॉब्लम यही है यहाँ पे चाय वाय नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे व्लॉग अपना खत्म करती हूँ। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड 3 days विद अस। पहला तो सनडाई ब्रिज, सेकेंड वन इज शास्ता केव्स, एंड थर्ड वन इज द लासिन नेशनल पार्क। आई होप यू गाइज हैव सीन दोज व्लॉग्स। इन केस यू गाइज लाइक दिस व्लॉग, कीप शेयरिंग एंड चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।